चलिए नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे पीछे हम आपके साथ, इसका नाम है पैरेलल ट्रेड कैपेसिटर। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आर्टिकल है पैरेलल ट्रेड कैपेसिटर। तो इस टॉपिक के अंदर पीछे मैं आपको पैरेलल ट्रेड कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा। पैरेलल ट्रेड कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो सब कुछ मुझे यहाँ निकाल के दिखाना। तो पैरेलल ट्रेड कैपेसिटर नेम से इंटरेस्टेड होता है, पैरेलल ट्रेड कैपेसिटर क्या है। चलिए सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे वो निकालते हैं। ओके, उससे पहले बच्चे मुझे आपको बताना पड़ेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे कि नेम से सुजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर क्या होंगी, दो प्लेट्स होंगी वो पैरेलल टू ईच अदर होंगी। मान लीजिए बच्चे ये होंगी दो प्लेट्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनमें से क्या कीजिए, इस प्लेट को एक प्लेट को आप एम का नाम दे दीजिए, एक प्लेट को आप एन का नाम दे दीजिए, दोनों पैरेलल हैं और उनमें से एक प्लेट को क्या कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मैं आपको बता चुका हूँ, अर्थिंग की उदी गई है, ठीक है। दोनों प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दोनों प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए मान लीजिए, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी आप सपोज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्लेट के ऊपर, आपकी एक प्लेट के ऊपर जो आपकी एम प्लेट है उसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कौन से चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज है बच्चे, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आपके बच्चे देखिए, अगर एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, तो इसके कारण एक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब फील्ड मान लीजिए मैं पी पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या करते हैं, फील्ड मैं देखना चाहता हूँ इस पी पॉइंट के ऊपर। बेटा देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके इसके ऊपर जो फील्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगी वो होगी ई पॉजिटिव, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, ठीक है। आपकी पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर होगी, देखिए जहाँ पे फील्ड देखनी हुआ है कि मेजिन चार्ज पॉजिटिव चार्ज पा लेते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज उसे अटैक करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज के कारण भी फील्ड क्या होगी, इधर होगी। तो टोटल फील्ड अगर मैं आपकी कहूँ स्टेप फर्स्ट, अगर आपके इस आपके कैपेसिटेंस को निकाल दीजिए, स्टेप फर्स्ट के बारे में बात करें तो ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में मैं क्या करता हूँ, आपकी फाइंड करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं इन दोनों के बीच में। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, आपके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वो ई पॉजिटिव हो चाहे वो ई नेगेटिव हो, लगी तो दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो आपकी वो क्या होगी, दोनों के एडिशन के बराबर। ओके, अब आपको पता है बच्चे आपके देखिए, अब आपको सिंपली पता है एक आपके कैपेसिटर के बीच में, आपको अपने घोसला किया वहाँ से कैपेसिटर, आपके दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, देखिए सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये है इसका फॉर्मूला। अगर मैं दूसरे के लिए बात करूँ होगा तो उसके लिए भी सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास नेट आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो नेट आपकी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो ये मैंने निकाल दी। चलिए स्टेप नंबर टू की ओर मूव करते हैं, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है बच्चे सी डिवाइडेड आपका इसका सी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी, तो मुझे वी निकालना पड़ेगा, वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एज वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू टी, ठीक है। ई क्या निकला था मैंने अभी भी निकाला है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि क्यू बाय ए के बराबर होती है, तो लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल गया। अब आ जाइए थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेप में हम क्या निकालना चाहते हैं बेटा, थर्ड स्टेप अगर मैं बात करूँ ये है मेरा थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में मैं कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूँ, एज कैपेसिटेंस इक्वल टू किसके बराबर है, क्यू डिवाइडेड बाय बी, तो क्यू को बी से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो ये लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आया बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला, जब उसकी प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम प्रेजेंट हो, ठीक है, एयर या वैक्यूम प्रेजेंट हो। अगर आपने कोई मीडियम प्लेस कर लिया, मान लीजिए एक मीडियम है ए, एक मीडियम जिसकी डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट की वैल्यू ए है और मैं उसके अंदर इन प्लेस कर रहा हूँ, एक मीडियम मान लीजिए जिसकी डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट की वैल्यू ए है और मैं उसे अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखूँ, तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो नई कैपेसिटेंस आएगी उसके अंदर आपका के इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो यानी नई कैपेसिटेंस पहले वाली कैपेसिटेंस के क्या हो जाएगी, के टाइम्स आ जाएगी। तो इस तरह बच्चे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आपकी जनरली अगर मैं इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए डायरेक्टिव मटेरियल के लिए बात करूँ तो के की वैल्यू क्या होती है, जनरली ग्रेटर देन वन होती है। इसका मतलब डायरेक्ट्रिक या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल इसके अंदर इंट्रोड्यूस करने से आपकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, ठीक है। तो अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप कोई आप मीडियम प्लेस कर देंगे तो मीडियम प्लेस करने से श्योरली आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। डन,
ओके okay, अब आपको पता, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना देता हूँ, चलिए ये दोनों पैरेलल प्लेट्स थी, ये पैरेलल प्लेट थी जिनमें से एक प्लेट के ऊपर आपने क्या किया था, एक प्लेट की हमने अर्थिंग करवाई, लो जी अर्थिंग करवाई, ये अर्थिंग का सिंबल है। एक के ऊपर कौन से चार्ज बने थे बेटा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर क्या होते थे बेटा, नेगेटिव चार्ज होते थे, यही था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। अंदर तो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन जो आउटसाइड के ऊपर होती है, जब एजेस आ जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। ठीक है, हम वैसे तो आपके एक पैरेलल प्लेट वेस्ट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, सिर्फ आपके आपके एजेस के ऊपर ही कर्व्ड जाती है, बट इसे आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आपकी जो प्लेट की, आपका जो प्लेट की लेंथ होती है वो रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत लार्ज है, तो हम एज इफेक्ट को क्या कर लेते हैं, हम आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चे मैंने आपके एक पैरेलल प्लेट वेस्ट की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के दिखाया। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट, इन प्लेट के बीच में फोर्सेस क्या लगेंगे। भाई देखिए, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट है, तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्सेस तो लगने चाहिए। तो लीजिए फोर्सेस बिटवीन द प्लेट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या फोर्स लगता है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, दो प्लेट्स हैं, दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी जो पॉजिटिव प्लेट्स होती है, पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पॉजिटिव लिख देते हैं, आपको ध्यान रहेगा। पॉजिटिव प्लेट के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट की। ठीक, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय ए इनटू टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, यहाँ तक लिख लिया। अगर मैं कहूँ, देखिए अगर आपकी बच्चे फील्ड ये है, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड ये लगी है, ठीक है, फील्ड की वैल्यू ये है, तो बताइए फोर्स कितना लगा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि फोर्स ऑन, आपकी फोर्स कितना लगा बच्चे, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, मतलब आपके जो नेगेटिव चार्ज है इस फील्ड के कारण उसके ऊपर कितना फोर्स लगा वो बताने जा रहा हूँ। एक की फील्ड ही थी, दूसरे के ऊपर फोर्स दे रहा हूँ, तो क्या बोलूँ, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब एक तो चार्ज आपका पॉजिटिव था, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव था तो इसके ऊपर नेगेटिव था, इसका फोर्स निकाला है उसके ऊपर देखें कितना फोर्स लगेगा। एज फोर्स किसके इक्विवेलेंट होता है, अगर मैं फोर्स की बात करें तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आपको फर्स्ट चैप्टर से आपने पढ़ा था, किसके बराबर होता है फोर्स, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू ई, क्यू मतलब माइनस क्यू इंटू ई के बराबर। ठीक है, माइनस क्यू इंटू ई, जो भी आपका ई लगा हुआ था आपके पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो, ओके तो माइनस, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू पुट करूँ तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये लगा फोर्स। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके बराबर आया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को मैं नेक्स्ट टाइम लिख रहा हूँ एफ के बराबर है, मैग्नीट्यूड लोगे तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये लीजिए दो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को वैल्यू मैंने आपके बच्चे निकाल दी है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल के दिखाइए, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को एक और नाम से भी जाना जाता है, एनर्जी डेंसिटी। फोर्स पर यूनिट एरिया निकालने के लिए कहीं एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तीनों का मतलब एक ही है। तो अगर मैं आप में इन तीनों में से कोई भी चीज निकालने के लिए कहूँ तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपको पता है आपने फोर्स अपॉन एरिया निकाला है। ठीक है, क्या निकालना है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया किसके बराबर होगा, आपकी एनर्जी डेंसिटी यू के बराबर होता है, ये प्रेशर के बराबर भी होता है। अगर मैं क्या करूँ, इस सारी चीज़ को एरिया से अगर हम डिवाइड कर दें तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को एरिया से, सॉरी इससे अगर मैं फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, मेरे पास सॉल्व करूँ तो मेरे पास टर्म आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई का स्क्वायर। कैसे देख सकते हैं आप बच्चे, देखिए अगर मैं आपकी बात करूँ, मैं इसको अल्टीमेटली ए से डिवाइड करूँगा तो ई से डिवाइड करूँगा तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। ए का स्क्वायर मतलब ये सारी, एक तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक तो एप्सिलॉन नॉट आएगा और साथ ही ई का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं, ये है आपकी एनर्जी डेंसिटी या आपकी जो आप इसे, ठीक है ना बच्चे, समझ गए ना बच्चे कैसे आया। देखिए बेटा,
अगर आपने एरिया से डिवाइड करें तो यहाँ एरिया का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, एरिया का स्केयर आ रहा है, ठीक है, एरिया का स्केयर आएगा तो बस इसका स्केयर नहीं है, इसका स्केयर कर लीजिएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करके, अब साइलेंट नोट ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, इसमें ई की जगह ई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर निकल आएगा। याद रखिए कई बार एक नंबर के इसके अंदर टॉपिक पूछा जाता है, बताइए इनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो कर लीजिएगा, आसान है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में मैं आपको इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है। तो मैं आपका नेक्स्ट आर्टिकल ये बताने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स का क्या इफेक्ट होता है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल इनमें कंडक्शन तार हो, लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर चार्ज इंड्यूस के सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बचे ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके आपके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कंसाइड नहीं करता, जिसका कंसाइड करता है वो नॉन पोलर होते हैं, बता चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे बच्चे मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका एक टॉपिक जिसका नाम है पोलराइजेशन, ठीक है, फिर उसके बाद आपका इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बताने जा रहा हूँ पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या चीज़ है। आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जैसी ही आप क्या करेंगे, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, चलिए अगले टॉपिक में आपको अच्छे क्या करने जा रहे हैं, आपको इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, आपको डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट आपको बताएंगे कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगले टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं आप सभी को पता होगा, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, डाइलेक्ट्रिक आर बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल, आपके ऐसे मटेरियल जिनमें कंडक्शन तो नहीं होती लेकिन जैसे आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो यहाँ पे इनके ऊपर क्या होता है, ये चार्ज को ट्रांसफर कर देते हैं, वैसे मटेरियल जिनमें जो चार्ज को ट्रांसफर करते हैं लेकिन कंडक्शन ना हो, ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल आप क्या कहलाते हैं, ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कितने तरह के होते हैं, हमने आपको पहले बताया है डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, अब पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं ये भी बता देते हैं। आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक पहले नॉन पोलर बताते हैं, नॉन पोलर का मतलब इसमें कोई भी पोल नहीं बनता। तो ऐसे बच्चे आपके ऐसे इंसुलेटिंग या ऐसे डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कंसाइड कर जाता है, जैसे H2 O2, ठीक है, आपकी N2 भी हो सकता है। अब देखिए ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे डायलेक्ट्रिक हैं वो डायलेक्ट्रिक जिनके सब्सटेंस के अंदर आपके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है, ठीक है, जैसे इनके जो आपके नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हैं, तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का और सेंटर नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पे कंसाइड कर जाता है, ठीक है, जैसे इसके अंदर देखिए क्योंकि शेप सिमेट्रिकल है तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कंसाइड हो जाए वो तो हो गया नॉन पोलर, और जिसमें कंसाइड नहीं होता जिसकी मान लीजिए इस तरह की शेप होती है तो नेगेटिव चार्ज सारे इधर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर एक साइड में आ जाते हैं। ऐसे डायलेक्ट्रिक जिनमें पॉजिटिव चार्ज का आपका सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कंसाइड नहीं करता, वहाँ एक डायपोल प्रोड्यूस हो जाती है और जिसके अंदर एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है उन्हें बोलते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक्स। दो तरह के आपके डायपोल मोमेंट होते हैं, बट इन दी एब्सेंस ऑफ, अगर मैं इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो दोनों की नेट डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। पोलर डायलेक्ट्रिक के हर मॉलिक्यूल के पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट तो होती है, बट जैसे अगर आप बाहर से एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाओगे तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर डायलेक्ट्रिक के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे अपने आप को इस तरह साइक्लिक ऑर्डर में रीअरेंज कर लेते हैं। तो जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तो सारे मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह रीअरेंज कर लेंगे, अगर एक ही डायपोल मोमेंट इधर जाएगी तो एक ही इधर जाएगी, एक ही इधर जाएगी तो एक ही अपोजिट जाएगी, तो नेट डायपोल मोमेंट आपके एक सब्सटेंस के सैंपल की क्या होगी, जीरो ही होगी, ठीक। तो एक आपका जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है उसके अंदर वैसे क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के हर मॉलिक्यूल की परमानेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू तो होती है, बट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है, ठीक है। यहाँ तो वैसे ही आपको पता था जीरो थी, बट जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते ही ये सारे के सारे डायपोल एक ही डायरेक्शन में आने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही एक डायरेक्शन में आने शुरू हो जाएंगे तो आपके आपके सैंपल को नेट डायपोल मोमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आप नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली जैसे आप एक नॉन डायलेक्ट्रिक के ऊपर, अगर नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए
अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो इधर जाने जाएंगे, पॉजिटिव चार्जर जाने शुरू हो जाएंगे, जिससे रिजल्ट होने के कारण इसकी शेप भी क्या होगी, इस तरह अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, जिससे इसके अंदर भी एक पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हाउ विल वी कन्वर्ट द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पता लगा डाइलेक्ट्रिक के बारे में, हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा और रिकैप्चरेट कर दिया है। अब क्या है इसके अंदर बचे, इसके सप्ताह इसके एग्जाम्पल लीजिए, HCl एग्जाम्पल हो गया इसका, और भी वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, आपका वाटर हो गया H2O, इसी का एग्जाम्पल है पोलर डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताने जा रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन क्या होता है उसको समझिए, पोलराइजेशन क्या है। ठीक है, पोलराइजेशन क्या है, जैसे ही बच्चे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ तो चाहे आपके पोलर हैं चाहे नॉन पोलर हैं, पोलर और नॉन पोलर के जो भी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो कितनी आपकी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपने आप को फील्ड की अलाइनमेंट में ला रही है, उसके उस स्ट्रेंथ ही पोलराइजेशन का नाम होता है। तो पोलराइजेशन क्या होती है, द अलाइनमेंट, ठीक है, द अलाइनमेंट अलाइनमेंट गलत हो गया ना, बस सेटअप कर देते हैं, द अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट में लाना ना, द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट हो रही है डाइपोल मोमेंट की, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट और इंड्यूस डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितनी अलाइनमेंट हो रही है डाइपोल की, इंड्यूस डाइपोल की इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही आपको बताता है, क्या बताता है, पोलराइजेशन। जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतनी ही ज़्यादा अलाइनमेंट होगी। पोलराइजेशन की बात करें तो पोलराइजेशन आपके पोलराइजेशन वेक्टर को एक पोलराइजेशन वेक्टर से डिस्क्राइब किया जाता है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मैं आपको पोलराइजेशन को डिस्क्राइब करने वाला एक वेक्टर बता रहा हूँ, इसका नाम है पोलराइजेशन वेक्टर, जिसे पी वेक्टर, कैपिटल पी वेक्टर से लिखा जाता है। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताएगी कि आपका जो सब्सटेंस, आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो कितना डाइलेक्ट्रिक होगा, ठीक है, कितना डाइलेक्ट्रिक होगा आपकी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, ये क्या है बच्चे, एक वेक्टर क्वांटिटी, एरो का साइन पहले लगा दिया, वेक्टर क्वांटिटी तो यही है। ये क्या डिस्क्राइब करता है, दिस डिस्क्राइब विच डिस्क्राइब, ये क्या डिस्क्राइब करेगा बच्चे, विच डिस्क्राइब द एक्सटेंट, विच डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, molecules of dielectrics become dielectrics of become polarize, ठीक है, polarize by an electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से आपका मॉलिक्यूल कितना पोलराइज होगा उसको डिफाइन, उसको आप डिस्क्राइब करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी यूज करते हो, जिस वेक्टर क्वांटिटी को आप क्या नाम दोगे, आपका पोलराइजेशन वेक्टर। ओके, पोलराइजेशन वेक्टर क्या चीज़ होती है, अगर मैं पोलराइजेशन वेक्टर पी को डिफाइन करूँ तो पोलराइजेशन वेक्टर को आप डिफाइन कर सकते हो, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अगर एक डाइलेक्ट्रिक की जो भी डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट लिखना था, डाइपोल, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, जो भी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगी वही आपकी किसके बराबर होगी, आपके पोलराइजेशन वेक्टर।
तो आपके बचे डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मान लीजिए एन क्या चीज़ है, आपका एन है नंबर ऑफ डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम, और एक एक सबटास की डायपोल मोमेंट से लिखा जाता है पी से, तो कैपिटल पी किसके बराबर होता है स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम इंटू पी के इक्विवेलेंट। चलिए और आगे मूव करते हैं। अगर मैं आपसे अभी भी मैंने आपको बता के हटा हूँ पी किसके बराबर है एन इंटू पी स्मॉल पी, स्मॉल पी क्या है डायपोल मोमेंट है। ओके तो आपकी अगर पी की बात करें बच्चे इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब नंबर ऑफ डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होती है चार्ज, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये क्या है नंबर ऑफ डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होती है एरिया इंटू डिस्टेंस के बराबर होती है। अगर मैं डी से डी को कैंसिल कर दूँ तो ये क्यू बाई ए क्या चीज़ होती है क्यू बाई ए आप सिग्मा आई, क्योंकि ये चार्ज इंड्यूस हुए हैं इसीलिए यहाँ सिग्मा आई यहाँ क्यू आई लिखना ज़्यादा बेटर है। इसे क्या बोलेंगे इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपका पोलराइजेशन वेक्टर इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के क्या होता है बच्चे इक्विवेलेंट होता है। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी सीधी सी बात है इसकी यूनिट क्या होगी कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर। डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लीजिएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो एक पोलराइजेशन का मतलब आपको समझ आ चुका है। चलिए थोड़ा सा बना देते हैं, जैसे एक आपके ये बच्चे क्या है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने क्या किया फील्ड में रख दिया, मान लीजिए एक फील्ड लगा दी है मैंने, ठीक है वन सेकेंड आपकी फील्ड लगा दी है। एक प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। जैसे रखोगे तो क्या होगा बीच वाले तो इसके अंदर जो भी चार्ज इंड्यूस हो तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इस फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस फेस के ऊपर कौन से चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे पॉजिटिव। ये जो आपके आपके एक डायलेक्ट्रिक फील्ड की क्या चीज था आपका डायलेक्ट्रिक चाहे कोई भी डायलेक्ट्रिक हो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, जैसे एक डायपोल को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो उसके अपोजिट फेस के ऊपर इस तरह चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में लगी है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगी है। तो इस तरह बच्चे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस आपकी इलेक्ट्रिक क्या होता है आप जैसे डायलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस तरह उसके फेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, इसी को बच्चे उसकी पोलराइजेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट केस आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट जो आर्टिकल डिस्कस करूंगा उसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल बच्चे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज ऑफ चार्ज लिक्विड सरफेस। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज लिक्विड सरफेस के बारे में बच्चे बताने जा रहा हूँ, या इसे आप बोल सकते हैं सोप बबल, लिक्विड सरफेस ही होता है ना, तो आप इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल भी बोल सकते हैं इसे सोप बबल। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल, तो इक्विलिब्रियम ऑफ सोप बबल या आपका आप नाम दे सकते हैं लिक्विड आपका चार लिक्विड सरफेस उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन बनानी है। बच्चे मान लीजिए एक लिक्विड सरफेस है सोप ही मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है बच्चे आपका एक लिक्विड चार्ज सरफेस है, चार्ज सरफेस बोल दिया तो इसके ऊपर चार्ज भी मान लीजिए, मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यह लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। चलिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपका नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होना। रेडियस कितनी है मान लीजिए इसकी आर, सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस सिग्मा मान लीजिए, ठीक। तो आपके ये बताइए कि सोप के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे होंगे, बता सकते हैं फोर्स के ऊपर किस किस वजह से आपके आपके इस सोप के ऊपर किस किस वजह से फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को हम डिफाइन करना शुरू करते हैं। चलिए नंबर वन फोर्स कौन सा लगा होगा सरफेस टेंशन की वजह से, बस मैंने पढ़ा था सरफेस टेंशन लीजिए, सरफेस टेंशन की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगा होगा, सरफेस टेंशन की वजह से जो भी फोर्स लगा, ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से जो भी फोर्स लगा वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा होगा, ठीक है। तो फोर्स ठीक है जो भी लगा होगा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगा होगा तो प्रेशर लगा होगा, चलो प्रेशर के टर्म में ले जाते हैं क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला आता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो भी प्रेशर लगा होगा उसे मैं पी टी का नाम दे देता हूँ। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपको पता है, सरफेस टेंशन में से जो फोर्स या जो प्रेशर लगा होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगा होगा। दूसरा आपकी जो एयर बाहर है, बाहर जो एयर है वो इनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रही होगी आपकी प्रेशर लगा रही होगी, तो एयर आउटसाइड का एयर आउटसाइड द बबल, तो जो भी आपकी एयर आउटसाइड का बबल है उसको मैं क्या नाम दे दूँ पी ओ का नाम दे दूँ,
उसके कारण भी मुझे फोर्स कहाँ लगेगा, हाँ जी उसके कारण भी कहाँ लगेगा, इनवर्ड ही लगेगा। ओके अब बात करें नंबर थर्ड पॉइंट की, क्या करते हैं नंबर थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके अंदर क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बीच में प्रेशर होगा और प्रेशर के कारण कहाँ जाएगी बच्चे, प्रेशर के कारण जो प्रेशर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो प्रेशर लगेगा वो आपका आउटवर्ड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से लिखे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को पी से लिख लीजिए और वो कहाँ लगेगा आउटवर्ड लगेगा। और फाइनली बच्चे नंबर फोर्थ पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, इसके अंदर भी तो एयर है, एयर होगी तो एयर है तो एयर इनसाइड द बबल, जिसके कारण आपका जो प्रेशर होगा उसे पी आई, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी आउटवर्ड। तो अगर ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है, अगर आपके सोबल इक्विलिब्रियम की स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो जो भी इनवर्ड प्रेशर होगा, इनवर्ड प्रेशर किसके बराबर होगा बच्चे, इनवर्ड प्रेशर शॉर्टली आउटवर्ड प्रेशर के बराबर होगा, आउटवर्ड प्रेशर के बराबर ही होना चाहिए। श्योर इनवर्ड प्रेशर कौन कौन से, देखिए दो ही लगे थे इनवर्ड प्रेशर आपके टेंशन की वजह से इनवर्ड लगा था, और किसी वजह से एक आपकी एयर जो आउटसाइड है उसकी वजह से इनवर्ड लगा था, ठीक है इनवर्ड। आउटवर्ड किस किस वजह से लगा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो एयर अंदर है उसका। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ मान लीजिए टोटल मुझे एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड का, एक्सेस ऑफ प्रेशर प्रेशर इनसाइड द बबल, अगर मैं आपसे पूछूं बबल के अंदर, सिर्फ बबल के अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना है तो कितना होगा बच्चे, वो पी नॉट माइनस पी आई, यहाँ बच्चे पी पी होना चाहिए ना, हाँ तो किसके बराबर होगा बच्चे, वो इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चे, अगर मैं मान लीजिए इसको इधर ले आता हूँ, इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है एक्सेस ऑफ प्रेशर सॉरी अपोजिट ले लेना, पी आई माइनस पी नॉट, अंदर ज़्यादा है बाहर कम होगा, पी आई माइनस पी नॉट, इसका मतलब ये आएगा पी टी डिवाइडेड बाई माइनस पी ई के बराबर। पी टी में से यानी आपका जो भी है आपका क्या पी टी में से पी को माइनस कर दीजिए, ठीक है बट आपको पता है पी टी किसके बराबर होता है, यानी प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, प्लस वन में रीड किया था ये होता है 4t डिवाइडेड बाय r के बराबर, प्लस वन में ये निकाला था, ठीक। और अगर मैं बात करूँ PE की, PE इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण मैं प्रूफ भी कर दूँगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, दोनों की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूँ तो मुझे एक्सेस प्रेशर निकल आएगा, आपका एक्सेस प्रेशर किसके बराबर आएगा पी आई माइनस पी नॉट, किसके बराबर हो गया इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा 4t डिवाइडेड बाय r माइनस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये पी आई और पी नॉट इक्वल है तो जो प्रेशर बाहर से लग रहा है वो अंदर के, ये दोनों टर्म क्या आ जाएंगी एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो इस तरह बच्चे मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज लिक्विड सरफेस का आपका आर्टिकल करवाया। यहाँ पे एक वर्ड बच्चे मैंने यहाँ यूज़ किया, कौन सा वर्ड बच्चे यूज़ करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक वर्ड आपका यूज़ किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। चलिए आपको टॉपिक में आगे मूव करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बता देते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल बच्चे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है उसे डिफाइन करने जा रहा हूँ। देखिए एक स्फीयर मान लेते हैं इस तरह, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लें, पॉजिटिव चार्ज ये ना, चलिए पॉजिटिव चार्ज ये मैंने मान लिया इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है मान लीजिए यहाँ पे क्या कीजिए एक स्मॉल एलिमेंट मान लीजिए, स्मॉल एलिमेंट से फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी, ठीक है ये सरफेस, इसका सरफेस एरिया भी कहाँ होगा ऊपर होगा, चलिए इसका सरफेस एरिया क्या होगा ऊपर होगा। अगर मान लीजिए स्मॉल एलिमेंट के ऊपर मैं फोर्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो वो भी क्या होगी स्मॉल ही होगी, फोर्स किसके बराबर होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो इसके ऊपर बच्चे जो भी चार्ज है मतलब यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा यानी चार्ज ऑन ds, इस सरफेस के ऊपर जो भी चार्ज है उसे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चार्ज कितना होगा बच्चे बता सकते हो, हाँ जी इस सरफेस के ऊपर चार्ज किसके बराबर होगा, चार्ज होता है सिग्मा इंटू ds, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लीजिए उससे मल्टीप्लाई कर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हमें पता है सर अपनी बॉस क्लास में कर चुके हैं।
दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा स्क्वायर डी एस डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट आ गया। देखिए मैंने ये तो निकाल दिया, अब अगर मैं बात करूँ जस्ट इनसाइड, ठीक है, इस ये जो भी आपका ये आपने एज्यूम किया है, ठीक है, एक स्फीयर बना है, इसके सिर्फ इनसाइड आप क्या करने जा रहे हैं, इनसाइड हम बात करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, इनसाइड के ऊपर बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए स्फीयर के ऊपर जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड का मतलब क्या है, ये रहा स्फीयर, इसके अंदर क्या लीजिए, पॉइंट जस्ट इनसाइड ले लीजिए, ठीक है। आपको पता है बच्चे सरफेस के कारण, ठीक है, इस सर अगर आपका पॉइंट जस्ट इनसाइड है, इनसाइड का आपका मान लीजिए कनेक्टर है, सरफेस आपके चार्ज सिर्फ सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाहर लाई करेगी, मान लीजिए आपकी किस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, आउटवर्ड जा रही है, E1 है वो, बाकी जो बचा सरफेस उसके कारण जाएगी इधर जाएगी, वो E2 आएगी। आपको पता है कंडक्टर के अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, इसका मतलब इनसाइड की बात करूँ तो E1 माइनस E2 इसके बराबर आएगा, ओके, E1 माइनस E2 जीरो के बराबर, क्योंकि दोनों इक्वल होती है, इसका मतलब E1 और E2 आपकी एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट आपका कहाँ लाई कर जाए, आउटसाइड लाई कर जाए, आउटसाइड का मतलब वही आप कंडक्टर स्फीयर मान लीजिए, आपका ये था आपका पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड है तो बच्चे जो यहाँ एलिमेंट मानोगे उसके कारण भी बाहर आएगी, बाकी जो बचा हुआ सरफेस है उसके कारण भी बाहर जाएगी, यानी E1 और E2 दोनों के कारण आपकी क्या डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और अगर जस्ट आउटसाइड की बात करूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 प्लस E2 के बराबर, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो 2E1 लिख सकता हूँ, ठीक है, 2E1, अगर मैं 2E1 की वैल्यू, अगर मैं आपको पूछे 2E1 की वैल्यू, E1 किसके बराबर होता है, ठीक है, यहाँ आपको पूछे मैं क्या करने जा रहा हूँ, E1 की वैल्यू बताने जा रहा हूँ, यहाँ से निकालूँ तो मैं नीचे E1 किसके बराबर होगा, ठीक है, E1 या E2 किसके बराबर होगा, E डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा, E की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ये लीजिए मैंने ये निकाला, निकल गया यहाँ का। अब बच्चे मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब आके रिमूव करने जाते हैं, अब मैं क्या करता हूँ इसे, आपका क्या चीज़ निकाल चुका हूँ, मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना था, मुझे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना था, तो प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इसके बराबर होगा, जो फोर्थ लगा था उसे एरिया से डिवाइड कर दीजिए, फोर्थ आपने फर्स्ट आपने उसके अंदर निकाला था सिग्मा स्क्वायर डी एस डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या कीजिए डी एस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये लीजिए आपके प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने यहाँ भी यूज़ किया है, ये देखिए प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला, आसान था, ठीक है, लेकिन नया कंसेप्ट था, आपकी सिंपल रेफरेंस बुक में नहीं दिया हुआ, ढंग से कर लीजिएगा। आने वाला जो टॉपिक है, जो नया टॉपिक आने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ढंग से देखिए नेक्स्ट आर्टिकल टॉपिक। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये, चलिए शुरू करते हैं उस टॉपिक को, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसका, तो मुझे आपको बतानी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखूँ तो उसके कारण मुझे क्या इफेक्ट होगा, वही मुझे बताना है। सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, सभी को पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, दो प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल, इसमें से एक की क्या करती जाए, अर्थिंग करती जाए। अगर मान लीजिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या रखा हुआ है, अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम है, मान लीजिए इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए, डिस्टेंस डी, तो जब तक आप इसके बीच में कुछ नहीं रखा हुआ तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, तो वैक्यूम को बच्चे मैंने नोट से दिखा दिया, यानी जब तक आपने इसके बीच में कुछ नहीं रखा तब तक आपकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है। आप क्या है केसेस करने जा रहे हैं, फर्स्ट केसेस में आपको कह रहा हूँ इफ कैपेसिटर इज, इफ कैपेसिटर इज पार्शली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, मान लीजिए आपके कैपेसिटर को हमने आपके क्या किया, पार्शली फिल कर दिया इसके साथ डाइलेक्ट्रिक के साथ, कैसे, चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपके बच्चे, ये रहा मान लीजिए कैपेसिटर, ठीक है, ये रहा कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के बीच में क्या किया हमने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में रख दिया, पार्शली फिल कर दिया, ये रहा डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो बीच में रख दिया, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस कितनी थी बेटा, डी थी मान लीजिए,
इसकी थिकनेस कितनी है, आपके डायलैक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है आपकी टी के बराबर, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है, टी के बराबर पूछ रहे हैं आपकी थिकनेस को बता रहे हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूँ, देखिए आपके गैस्ट्रिक प्लेट के इधर कौन सा चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इधर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव, एक प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब आपको बताया बच्चे, देखिए अगर मैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, बाहर। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नोट है। डायलैक्ट्रिक को जैसे ही अंदर रखोगे तो क्या होगा, डायलैक्ट्रिक के पॉजिटिव फेस के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, इधर नेगेटिव तो इधर सॉरी इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अप्लाइड फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे आप ई पी या ई आई से लिख सकते हैं। अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इनसाइड द डायलैक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अप्लाइड की और इंड्यूस की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, ई के बराबर होती है। इसका मतलब आपकी इसके अंदर जैसे डायलैक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो डायलैक्ट्रिक के अंदर तो बच्चे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, लेकिन ये जो बाहर वाला रीजन है, ये और ये वाला, इस जगह के ऊपर आपकी एक्सटर्नल फील्ड ई नोट ही लगेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे दो आपके स्पेस बन चुके हैं, एक तो ये वाला स्पेस, ये और एक डायलैक्ट्रिक के बीच वाला। बाहर वाले तो आप बाहर वाले स्पेस के ऊपर तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ई नोट, अंदर वाले में लग रही है ई। तो दो अलग अलग आपके स्पेस बन रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, इसलिए पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट निकालूँ, दोनों पार्ट के लिए निकालते हैं, सबसे पहले ई नोट कहाँ कहाँ लग रहा है, ई नोट डी में से टी को माइनस कर दो वहाँ ई नोट लगा, तो ई नोट माइनस डी माइनस टी, पोटेंशियल का फार्मूला ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अंदर का डिस्टेंस कितना है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही थी, ई, और आपके थिकनेस कितनी थी, टी के बराबर थी, ठीक। आपको डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला याद है, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है ई नॉट डिवाइडेड बाय ई के बराबर, ठीक। तो अगर मैं इसके अंदर ई की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो कर देते हैं ई की वैल्यू पुट, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ई नॉट है ना, लीजिए ई नॉट, ई नॉट है डी माइनस टी प्लस ई को ऊपर ले जाइए तो यहाँ बन जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई के इंटू टी के बराबर। कोई टर्म कॉमन आती है बाहर ले लीजिए, कॉमन करिए उसको, V इज इक्वल टू ई नोट को कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ गया D माइनस टी प्लस टी बाई के बराबर। आपने घोसला किया था, घोसला के अकॉर्डिंगली पैरेलल प्लेट क्लस्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। लीजिए मैंने नेट पोटेंशियल निकाल लिया, नेट पोटेंशियल निकल गया तो चार्ज आपकी क्वेश्चन से निकालनी है। बताइए क्वेश्चन क्या होती है पैरेलल प्लेट क्लस्टर की। अगर मैं नई क्वेश्चन की बात करूँ तो नई क्वेश्चन सी के बराबर मान लीजिए, ठीक है। सी किसके बराबर होता है, आपका सी होता है क्यू डिवाइडेड बाय वी। क्यू टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या है, ये है। इसमें सी का मान को क्या पुट कर सकते हैं, क्यू बाय ए पुट कर दो, क्यू बाय ए पुट कर दिया मैंने सिग्मा को, ये नीचे अब साइलेंट नॉट था, यहाँ पे क्या था बेटा डी माइनस टी, यहाँ पे टी डिवाइडेड बाय के, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया अब साइलेंट नॉट ए डिवाइडेड बाई टी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के। ये लीजिए आपकी एक पैरेलल प्लेट क्लस्टर के बीच में अगर मैं डायलैक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दूँ तो उसके लिए फॉर्मूला निकला है, याद रखना है, झट बहुत सारे में यूज होने वाला है, ठीक है। इसे स्टैंडर्डाइज एक झट मान लेते हैं, इसे वन का नाम देते हैं, ठीक है। इसे मैंने क्या किया, वन का नाम दे दिया। अब क्या करने जा रहे हैं, इसके केस आगे डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए ये जो डायलैक्ट्रिक है ये पूरे पूरे स्पेस को कवर कर लेता, ठीक है। इफ द डायलैक्ट्रिक मीडियम ठीक है इज प्रेजेंट बिटवीन द एंटायर स्पेस, अगर सारे के सारे स्पेस को कवर कर लेता तो टी की वैल्यू क्या होती है, मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, टी को डी के बराबर पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन नंबर वन में। अगर मैं इसे टी को डी के बराबर पुट कर दूँ तो जरा देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है, तो सी का रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं इसमें टी की जगह डी पुट कर दूँ तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ डी के ऊपर चला जाएगा, यानी के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी। ये क्या चीज़ थी, ये तो आपकी ओरिजिनल जो आपकी वैक्यूम के बीच में, जब आपके बीच में वैक्यूम था वो वाली क्वेश्चन थी। इसका मतलब अगर आपकी सारी की सारी सारे के सारे स्पेस को एक डायलैक्ट्रिक ने फिल कर लिया तो नई कैपेसिटेंस जो आएगी वो आपकी पुरानी कैपेसिटेंस है जब उसके बीच में एयर प्रेजेंट था उस कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है।
एक और चीज बचे, एक और इसके अंदर केस बनाते हैं, इफ इफ कैपेसिटर कैपेसिटर इज पार्शली फिल्ड विद ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी, उसकी थिकनेस कितनी मान लें बेटा, ई मान लीजिए, थिकनेस कितनी है उसकी, टी मान लीजिए, ठीक है। अगर टी थिकनेस है, टी की वैल्यू आपकी टी से बहुत कम है, ठीक है। अब बात करते हैं एक डाइलेक्ट्रिक के लिए, एक डाइलेक्ट्रिक के लिए बचे, एक डाइलेक्ट्रिक के लिए के की वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी एक कंडक्टिंग स्लैब के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। अगर इन्फिनिटी है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी जीरो, तो आपकी कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई टी माइनस टी, इसलिए ये फॉर्मूला रिड्यूस होकर ये रह जाएगा। तो अगर कंडक्टिंग स्लैब रखोगे पार्शली तो ये फॉर्मूला, अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करोगे तो ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे आपके नेक्स्ट टॉपिक।